नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके साह के YouTube चैनल पर। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अगर आपका गैस स्टोव भी कुछ इस टाइप से, देख सकते हैं ये नोब है, अगर ये ऐसे घुमाते घुमाते क्या है ऑटोमेटिक से अगर आपकी नोब निकल के बाहर गिर जाती है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, अपने सिलेंडर से अपने रेगुलेटर को बंद कर देना है, क्योंकि अगर आपका जो नोब है वो ऑटोमेटिक से बाहर निकल के गिर जाता है तो यहाँ से गैस निकल सकती है, और गैस निकलेगी तो आपको दुर्घटना का डर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप गैस स्टोव यूज करते हो और आपका जो नॉब है वो ऑन ऑफ करते ये बाहर निकल के गिर जाता है तो आपने सबसे पहले सिलेंडर को ऑफ कर देना है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि मैं गैस स्टोव की, रेगुलेटर की और गैस लाइटर की या किसी मैकेनिक के रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता हूं जब किसी कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, तभी मैं इसके रिलेटेड वीडियो बना के आपको दोस्तों दिखाता हूं। नहीं तो उसके बीच में क्या है, मैं हर दिन ये कोशिश करता हूं कि आपको कुछ नया मैं सिखा सकूं, तो इसीलिए दोस्तों मैं कुछ यूट्यूब के ट्यूटोरियल या कोई मोबाइल के रिलेटेड कोई चीज है तो मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाता रहता हूँ हर दिन, आए दिन उसके रिलेटेड ही आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाता रहता हूँ और उसी के रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ ताकि आपको आए दिन मैं कोई ना कोई चीज़ सिखा सकूँ। तो जैसे अगर आपको भी इस टाइप की गैस स्टोव में प्रॉब्लम आती है तो आपने सिंपल सा जैसे मैंने बताया, आपने सिलेंडर को रेगुलेटर से बंद कर देना है और उसके बाद आपको ये जो प्रॉब्लम आती है इसको आपने सही करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक पेचकस चाहिए छोटा सा। तो आपने क्या करना है, पेचकस को लेकर आपने सबसे पहले ये जो स्टैंड लगे हुए हैं गैस चूल्हे के ऊपर ये आपने तीनों के तीनों साइड में रख देने हैं निकाल के, और उसके बाद जो ये जालियाँ लगी हुई हैं ये आपने साइड में रख देनी है निकाल के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये आपने जो भी इसके ऊपर सामान पड़ा हुआ है वो आपने उठा के साइड में रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका सिलेंडर आपने पहले बंद कर दिया, ठीक है, उसके बाद गैस चूल्हे को आपने सिंपल सा इसको उठा लेना है आराम से, कुछ इस टाइप से आपने इसको उठा के उल्टा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसको उल्टा करोगे तो आपका जो नोब है पहले यहाँ से निकल गया था, ऑटोमेटिक निकल के बाहर पड़ गया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, एक नट लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नट लगता है एक, तो वो आपका नट यहाँ से खुल गया, इसके कारण क्या है तो ये जो आपका नोब है ऑटोमेटिक से बाहर निकल के गिर गया। ठीक है, तो आपने इसको फिक्स कैसे करना है, दोबारा से इसको वापस से कैसे लगाना है, सबसे पहले आपने इस स्प्रिंग का ध्यान रखना है। जब दोस्तों आपकी नोब बाहर निकल के गिर जाती है तो आपने सबसे पहले आपने इस स्प्रिंग का ध्यान रखना है और इस नट का आपने ध्यान रखना है, इसको आपने ढूंढ लेना है। ये जब आपको मिल जाता है तब आपने क्या करना है, ये जो स्प्रिंग है आपने इसके अंदर वापस ऐसे डाल देना है, इसके अंदर एक, ये देखिए इसके अंदर एक निप्पल भी पड़ी होती है, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो स्प्रिंग है इसको आपने इसके अंदर डाल देना कुछ इस टाइप से। उसके बाद ये जो स्पेंडल है, इस स्पेंडल को आपने इस स्प्रिंग के अंदर डालना है, और डालना कैसे है ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा हॉल दे रखा है और इस साइड में एक बड़ा हॉल दे रखा है, ये बड़ा हॉल है, इसके अंदर हमारा क्या है ये जो नट यहाँ पे कसा जाएगा, तो हमने क्या करना है इस साइड में रखना है इस हॉल को हमने, और ये जो स्पेंडल है इसके अंदर हमने इस टाइप से इसको स्प्रिंग को लगा लेना है और इसको हल्का सा अंदर प्रेस कर देना है बटन को। जैसे हम इस बटन को अंदर प्रेस करेंगे तो ये जो आपका नट है, आपका नट यहाँ से कुछ इस टाइप से इधर साइड से लगेगा, ये देखिए यहाँ पे हॉल हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये हॉल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, ये जो नट हमारा निकल चुका था ऑटोमेटिक से, आपने यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको आराम से इस पर प्रेस करके इसके अंदर लगा देना है, और लगाने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद आपने ये हॉल दे रखा है, यहाँ से पेचकस को ऐसे डालना है और ये जो नट है आपका नीचे साइड में, इसको आपने कुछ इस टाइप से यहाँ से बटन को थोड़ा सा प्रेस करके इसको बड़ी आसानी से इसको कस देना है और इसको फुल टाइट कर देना आपने। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसको फुल टाइट कर दोगे तो दोबारा से जो आपका नोब है जो बाहर निकल के गिर गया था ऑटोमेटिक से, वो आपका जो नोब है बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी ये बहुत ही आसान तरीके से ये सही हो चुकी है। तो हमारा नोब बाहर निकल के गिर गया था ऑटोमेटिक से तो वो अभी हमारा सही हो चुका है, और अब हम इसको जगा के दिखा देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसको फिर से हमने सीधा कर लेना है, अभी हमने इसको पहले जैसा सीधा रख लिया है, अभी जो इसके ऊपर सामान पड़ा हुआ था वो हम इसके ऊपर वापस से लगा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इसके ऊपर जो हमारा सामान पड़ा हुआ था वो वापस हमने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, जो सिलेंडर को हमने ऑफ किया था रेगुलेटर से उसको हमने ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद जो हमारा ये नोब निकल के बाहर गिर गया था ऑटोमेटिक, तो इसको हम अभी ऑन करके इसको जगा के देखते हैं। ये देखिए ये नोब है अच्छे से वर्क करने लगा है, ये देख सकते हो दोस्तों ये जो तीनों बर्नल हैं हमारे अच्छे से वर्क करने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही नए से नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।